हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है मूंग दाल के पकोड़े बनाने की, जिन्हें हम मंगोड़े भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं और ये झटपट बन भी जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम छिलके वाली मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो दिया था। अब इसको 2-3 बार मैंने साफ पानी से अच्छे से धो लिया है और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से फूल चुकी है। 2 प्याज, इनको मैंने इस तरह से पतले पतले पीसेस में लंबाई में कट कर लिया है, आप इसी तरह से कट करें। 1 कप पालक, इसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है, जिससे पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको कद्दूकस कर लिया है। 2 हरी मिर्च बारीक कटकी हुई, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च का यूज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पिंच हम हींग का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट किया हुआ और 1 चम्मच नमक। फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। अब यहाँ पर मैंने मिक्सी का एक बड़ा वाला जार ले लिया है, थोड़ा जल्दी वाला काम करूँगी इसलिए। तो जो हमने दाल ही भिगो के तैयार की है, इसमें से मैं आधी दाल लूँगी और जार में डाल के इसे हमें दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। कोशिश करेंगे कि इसमें पानी का यूज़ ना हो, अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम इसमें 1-2 चम्मच पानी का यूज़ करेंगे। तो एक बार में मैंने आधी दाल ली है, इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। दाल को हमने दरदरा पीस लिया है, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एकदम बारीक नहीं पीसा है, इस तरह से पीसा है। तो इसी तरह से अपनी पूरी दाल पीस के तैयार कर लेते हैं। दाल को हमने इस तरह से एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है, जिससे इसमें और मसाले मिलाने में भी आसानी रहेगी। और हमने इसको एकदम बारीक नहीं पीसा है, इसको इस तरह से हमने थोड़ा दरदरा ही पीसा है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च, प्याज, पालक, हरा धनिया, लगभग 1 पिंच हींग, स्वादानुसार नमक। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से हाथों को साफ करते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मिक्सचर हमारा मंगोड़े और मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए तैयार है। हमने एक कढ़ाई में ऑयल पहले से गर्म होने रख दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम हमने हाई कर रखी है। तो जो हमने मूंग की दाल के पकोड़े का मिक्सचर तैयार किया है, उसमें से आप थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से लेंगे, छोटे या बड़े साइज़ के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम पकोड़े डालेंगे इस तरह से। एक बार में कढ़ाई में जितने आ जाएंगे उतने पकोड़े हम डाल लेते हैं। हमने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं, अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इनको सिकने देते हैं। एक साइड पकोड़े हमारे थोड़े से सिक चुके हैं, तो इनको अब हम पलट लेंगे। और इन्हें पलटते हुए हम 2-3 बार इसी तरह से पलटते हुए दोनों साइड इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, पकौड़े हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं कि एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है और इनको 2-3 बार अच्छे से पलटते हुए हमने फ्राई कर लिया है। तो अब इस तरह से एक प्लेट में नैपकिन पेपर लगा के कढ़ाई में इस तरह से हम साइड से करते हुए निकालेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कढ़ाई में निकल जाएगा। और इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
ये देखिए, देखने से ही पता पड़ रहा है कि कितने करारे पकोड़े हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हम बाकी बचे हुए भी पकोड़े फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। पकोड़े का दूसरा बैच भी हम डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मूंग की दाल के पकोड़े, जिन्हें हम मगोड़े भी कहते हैं, बन के तैयार हैं। इनको यहाँ मैंने हरे धनिया की चटनी के साथ लिया है। इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी रेसिपी। ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।